इस पावन भूमि को नमन करते हुए जय हो। यहाँ के सभी बुजुर्गों को नमन करते हुए, मातृशक्ति को नमन करते हुए, और जहां तक परम आदरणीय परम श्रद्धे आचार्य जी के चरणों में चरण वंदन करते हुए जय हो, जय हो। ये आपकी सेवा में उपस्थित अब मैं इसको क्या कहूं, कीर्तन मंडल कहूं? ओहो, क्योंकि मेरे कीर्तन मंडल का तो कमंडल ही बन गया है। कमंडल नहीं है तो भूमंडल में, ऐसी बात नहीं। हाँ हाँ रहेगा। आइए, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले कहते हैं सात दीप नवखंड में गुर से बड़ोन को या करता करे न कर सके गुरु करे सो। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, मैं हूं अधमाधीन शरण प्रभु शरण में लीजिए। भवसिंधु की मझधार में आसरा अब दूसरा नहीं दिखता संसार में। पाप बोझों से दबी नैया भमर चकरा रही, नाथ दौड़ो और बचा लो ये जल्द डूबी जा रही। आप ही यदि छोड़ दोगे तो फिर कहां जाऊंगा मैं, जन्म दुख से नाथ बोलो कैसे छुट पाऊंगा मैं। हर जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी, पार करना या न करना है दोनों मर्जी आपकी। यहां के लिए मना नहीं हो पाया ना, कहता मैं यही रहा था कि मेरी आवाज जो है काम नहीं कर रही है, लेकिन इस 8 तारीख को भूल नहीं पाया और मैंने कार्यक्रम अपने जागरण के छोड़ के मुझे यहाँ आना था। जय हो, जय हो। आवाज चले या ना चले लेकिन मैं वहां दर्शन करके जरूर आऊंगा उन महान मूर्तियों के, और कोशिश माँ शारदे की कृपा रही गाने की, तो एक बहुत बड़ी बात है, मगर उसकी कृपा के बिना हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते ना दादा ना, उसकी कृपा रही तो हो सकता है कि आपका आपके हृदय को छूने की कोशिश करें। हाँ भाई राजू जी, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और हमारे बड़ा दिल प्रफुल्लित हुआ देखते ही, दर्शन करते ही करण सिंह क्रोधी जी के और मुन्ना लाल जी के। जय हो, जय हो, जय हो। शायद 20 वर्ष तो हो गई, उससे पहले से ही मुलाकात नहीं हो पाई। हाँ हाँ, लेकिन आज हो गई, बहुत शुभ दिन है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जैसी आप सोच रहे हो वैसी मुलाकात नहीं करनी है। जय हो, जय हो, जय हो। आइए,
भगवान गणेश के चरणों में जाना है और कहना है क्या, जय गजानन गजबदन इस मंच पर आ जाइए। आवाहन करता हूं प्रभु आसन हृदय का पाइए। हमारे पास और आपके पास कुछ भी नहीं है, ना 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 है तो क्या, 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 क्या। कि मैं भाव जल अर्पित करूं स्वामी नहाने के लिए, है चित्त का चंदन समर्पित तिलक लगाने के लिए, विश्वास के फल फूल अक्षत धूप बत्ती नेह की, सेवा कलाया बांध कर थाली सजाई देह की, विघ्नेश भोग लगाइए धनों के मोदक मोद से, आ जाइए मां भगवती की गोद से, क्योंकि साष्टांग मेरा दंडवत प्रभु बार बार प्रणाम लो, जय जय गजानन गजबदन जय घोष भी अभिराम लो। कोई कहता है क्या, अरे हम जिएंगे और मरेंगे, बतल तेरे ओ हरि जी। पर ये 10 मुद्राएं भाई की तरफ से आशीर्वाद के रूप में प्रदान हुई, हार्दिक अभिनंदन। जब फिल्मी दुनिया वालों ने इस बात को कहा ऐ वतन तेरे लिए, और ये 10 मुद्राएं भैया जी की तरफ से हृदय से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। इधर भगवान गणेश के चरणों में भक्त कहता है कर रहे गणपति सदा, कर रहे गणपति सदा आराधना तेरे लिए, हर तरह से हर तरह से हमने साधी साधना तेरे ओ, 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 अरे दैत्य शिव तुमने पछाड़ा, आराम हो गया आपसे ओ शाबाश बहुत बढ़िया, दैत्य शिव तुमने पछाड़ा मुष्टक सुर का बध किया, मुष्टक पर का बध किया, मुष्टक पर का बध किया। हेलो गौतम बरसौली वालों की तरफ से ये 10 पहले 10 फिर से ये मुद्राएं आशीर्वाद के रूप में प्रदान हुई, हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहा जब आपने ऐसा किया प्रभु तो
तैत्य शिव तुमने पछारा, मुष्टक सुर का वध किया, और देवता अरे देवता खुश हो गए थे, तार भक्तों को दिया हमने शादी साधना तेरे और कहा कि प्रभु रिद्धि सिद्धि के हो दाता, दाता हो संसार के चल दिए चूहे पे चढ़ के गज बदन प्रभु धार के हो धार के हो धार के हो धार के। कभी कल्पना करता है तो कहता है प्रभु आप रिद्धि सिद्धि के ही दाता नहीं बल्कि दाता हो संसार के। एक अपने घर का दाता बन जाए तो देख लो कितनी सवारियां हैं नीचे। हाँ, एक घर का दाता बनने पर जय हो जय हो जय हो। इंड का है, सुमो है, सफारी है, क्वाइलिस है। हाँ, अब तो फॉर्च्यूनर और जाने क्या क्या सवारियां हैं, नए नए मॉडल निकल के आ रहे हैं। हाँ, एक घर का दाता बनने पर, और जो दुनिया का दाता है उसे शुरू से एंड तक एक ही सवारी मिली क्या? रिद्धि सिद्धि के हो दाता, दाता हो संसार के देवा दाता हो। अरे चल दिए चूहे पे चढ़ के गज बदन प्रभु धार के हो धार के हो धार के हो धार के। लेकिन लकी जय ब्रीवियर, किसी के भाग में कुछ लिखा होता है, किसी के भाग में कुछ लिखा होता है, लेकिन उस चूहे के भाग में क्या लिखा था? क्या? अरे भाग्य चूहे के लिखा है। हमने शादी साधना तेरे हो अंतिम बंद में कहा कि प्रभु मेरे जीवन की तमन्ना ध्यान में धर ली उपकार इतना कीजिए हो कीजिए कीजिए हो कीजिए। अरे यूं कहे सरमानर
अपने साधी साधना तेरे ओ, 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 महाराज की जय। और आइए सात सुरों की दाता माता साहब चंद लाइनों में जय हो कहा कि मां मां क्या परिवर्तन का दौर है। नीरेसा नीचा सा नीधा मा पधा पधा सा पमा पगा मगा रे नीरेसा सात स्वर की माँ सरगम से सजा तुम शान देती हो सात स्वर की माँ सरगम से सजा तुम शान देती हो और भक्ति संगीत के रस का करा रस पान देती हो। इसी पर ये 20 रुपए का पुरस्कार हुआ परमादरणीय राहुल भाई। पीपल वाली माता कमेटी सिकंदरा राव की तरफ से यह आशीर्वाद के रूप में प्रदान हुए हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहा हाँ परमादरणीय आचार्य महोदय जी और जितने भी हमारे यहाँ संत प्रवृत्ति उच्च श्रेणी के जो संत महान संत बैठे हैं वो जरूर इन बातों पर ध्यान देंगे। सात स्वर की माँ सरगम से सजा तुम शान देती हो भक्त संगीत के रस का करा रस पान देती हो मन के मंदिर में माँ कोई मुरादे लेके आता है मंदिर में तुम उसके मधुर मुस्कान देती क्यों देती हो क्यों के कंत संत कलकाल कौशल किशोरी वन यंत्र तंत्र मंत्र शब्द सारणी सुधार दे ज्ञानवान वाणी वीणा वनतान छेड़ो राग अनुराग राग की मरागिनी सवार दे रस नाम रस हो ओज ओज शब्द भव्य भाव की बहार दे स्वर ताल कंठ ज्ञान ज्ञान के किवार खोल झोंका वन हवा का आज आजा माता शार दे। तो देखिए कोई कहता है क्या कि जहां सबसे पहले सूरज आकर डाले अपना डेरा देश है मेरा ये भारत देश है मेरा लेकिन इधर
माँ शारदे के चरणों में श्रद्धा के समन रखते हुए कहा कि माँ कि तेरे तार तार में वीणा बादल आराम से भाई आराम से कपाट पहले हम कहा करते थे जिसे सुन हुआ बाबूरा तेरा बेजू क्या बात है मेरे दादा बेजू बाबरा जी जिसे सुन हुआ बाबूरा तेरा बेजू वही छेड़ बीना की तू झनकार दे मेरी शार दे माँ मुझे सार दे लेकिन उन तारों की आवश्यकता है उस तार की आवश्यकता है तेरे तार तार में वीणा बादल अरे सत्य सिंधु लहराता तेरे तार तार में वीणा बादल सत्य सिंधु लहराता तेरी जय हो स्वरों की दाता 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 हर कलाकार का एक अपना अपना अलग अंदाज होता है लिखने का भी गाने का भी बजाने का भी आइए देखिए ये सरस्वती वंदना लिखी है हमारे नरेंद्र शर्मा जी ने जब तेरी कृपा कटाक्ष हुई परमादरणीय भाई करण सिंह ग्रोदी जी सुनिए गुरु ये थोड़ा इस पे गौर देना कि जब तेरी कृपा कटाक्ष हुई तब मोहन मन मुस्काए जय हो जय हो जय हो जब तेरी कृपा उस मुरली वाले पर हुई माँ जब तेरी कृपा कटाक्ष हुई अरे मनमोहन मन मुस्काए अधरों पे धर के बंसी धर अधरों पे धर के बंसी धर बंसी में सरगम गाए बंसी में सरगम गाए बंसी में सरगम गाए जहाँ मोहे तीनों लोक लोकपत क्या बात है उस सरगम ने अरे जहाँ मोहे तीनों लोक लोकपत स्वर लहरी में खो जाता जहाँ मोहे तीनों लोक लोकपत स्वर लहरी में खो जाता तो तेरी जय हो स्वरों की दाता तेरी जय हो स्वरों की टाइम बहुत खींच जाता है आइए समय की बंदिश में चलते हैं अब दूसरी बात है पहली बात थी कि जब तेरी कृपा कटाक्ष हुई तब मनमोहन मुस्काए अधरों पे धर के बंसी धर बंसी में सरगम गाए अब दूसरी बात है महादेव महेश्वर ने भी तो डमरू में तान बजाई जय हो जय हो जब डमरू में तान शिव ने बजाई तो
शिव अगर बम्ब, शिव अगर बम्ब, संजीवन विद्या पाई, संजीवन विद्या पाई, संजीवन विद्या पाई। ये परमादरणीय भाई संजय भाई का यूट्यूब चैनल जो चल रहा है केएस, आपसे केवल कृपा से प्रार्थना यही है, इस वंदना को जरूर, और आप कैसे ढंग से आप इसको महादेव महेश्वर ने भी तो डमरू में तान बजाई, जय हो जय हो। क्रोधी जी जब विद्या पाई, वो उमेश उमापति ओंकार, वो उमेश उमापति ओंकार अद्भुत आनंद मनाता, तो तेरी जय हो स्वरों की दाता, तेरी जय हो स्वरों की मीडिया। नारद जी, नारद ने तेरा ध्यान किया, बीना में स्वर झनकाए, वो तीन लोक के बने मीडिया, नहीं हाथ किसी के आए, नहीं हाथ किसी के आए, नहीं हाथ किसी के आए, सुख सन का शेष शारद कोई पार न तेरा पाता, सुख सन का शेष हर शारद कोई पार न तेरा पाता, तेरी जय हो स्वरो की दाता, तेरी जय हो स्वरो की दाता, लिखते नरेंद्र शर्मा रे सम तेरे स्वरों में सिंधु समाता, लिखते नरेंद्र शर्मा रे सम तेरे स्वरों में सिंधु समाता, तेरी जय हो स्वरों की दाता, तेरी जय हो स्वरों की दाता।